अस्पताल की छत पर, मेडिकल कॉलेज पे, एनाटॉमी डिपार्टमेंट की छत पर जो लाशों का मामला है वो एक संगीन मामला है और उसको संगीनियत और सनसनी दे दी गई है। तो अनु ही गल दसा, जिस तरह बिल्कुल ऐसे होता है ना कि आप कहते हैं कि डॉक्टर जब हम बन रहे थे अक्सर लोग हमसे आके पूछते थे कि डॉक्टर साहब तुसी टीका ला लें दे। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको इल्म ही नहीं था कि टीका लाना डॉक्टर का काम नहीं हैगा, डिस्पेंसर या नर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग उस चीज़ की दी जाती है, डॉक्टर का काम क्लिनिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट उस तक होता है, टीका वो लगा लेता है जब वो इतना अरसा इस माशरे में रहता है। तो ये बिल्कुल ऐसी बेसिक नॉलेज की बात है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप किसी अननोन बंदे को कमरे में ले जाएं और उसे कहें भाई ये लाशों के काट पाट का अमल देख, जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है उसका, उससे आले से जब सर स्कल खोला जाता है और चीरा लगा के पूरा सीना खोला जाता है, तो वो तो कई लोग, तो कितने आप में से लोग होंगे जो अस्पतालों में बेहोश होकर गिर गए होंगे, ये उसी तरह का मामला है। अब मैं और तरफ आता हूँ, 300 स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर MBBS में, इन 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए डाइसेक्शन बॉडीज़ की करा के, उसमें सिर्फ गोश पोश की आर्टरी नर्व्स मसल्स की जो है डाइसेक्शन नहीं होती, उसमें बकायदा जो ऑर्गन्स हैं उनको भी निकाल निकाल के खोल, मैं लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ, हमने लिवर खोल खोल के पढ़ा हुआ, दिल खोल के पढ़ाते हैं, दिमाग खोल के पढ़ाते हैं, मैदे खोल के, आंतें खोल खोल के पढ़ाते हैं, एंड में लाश में कुछ नहीं बच जाता। अब तरीकाकार ये होता है कि जो लाश लाई जाती है वो लावारिस होती है, उसको मॉर्चरी में रखा जाता है। अब यहाँ जो निश्तर हस्पताल है उसमें जो फ्रीज़र काम कर रहे हैं करंटली, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो सिर्फ़ एक फ्रीज़र है जिसमें 7 से 8 लाशें रखने की गुंजाइश है। उनको एक महीने तक पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि उस लावारिस लाश की वो ज़िम्मेदारी ले, जो कि पुलिस नहीं लेती। तो उसके बाद उस पुलिस उस लाश को अगर वो डाइसेक्टेबल हो यानी उस पर पढ़ा जा सके तो उसको डाइसेक्शन हॉल में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ उसकी डाइसेक्शन होती है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अरसा पढ़ते रहते हैं। जब वो इस काबिल नहीं रहती तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, या तो उस लाश को इसी तरह ऊपर जैसे जाली नुमा एक कमरा बना हुआ है जो आप वीडियोज़ में देख चुके हैं, मैं नहीं दिखा सकता, बहुत हॉरिफिक इमेजेज़ हैं, तो उसमें रख दिया जाता है और बाद में वो क्योंकि हवा होती है उसमें जो है ये पट्रीफिकेशन का अमल बड़ी तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है, तो वो गल सड़ जाती है और उसके बाद वो जो हड्डियाँ होती हैं उनको फिर धो के उबाल के बकायदा बॉयलर एसिड में डाल के बच्चों को दे दिया जाता है, पढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये तो वो हो गया जो एक डाइसेक्शन के अमल से गुजरेगी, फिर ऊपर जाएगी, उसके बाद बॉयलर में जाएगी, हड्डियाँ हासिल की जाएंगी, ये एक प्रोसेस है। अब कुछ लाशें ऐसी होती हैं जो नॉन डाइसेक्टेबल होती हैं, जली हुई आ गई, इतनी बुरी हालत में आ गई कि उस पर पढ़ाए, उन्हें डायरेक्ट ऊपर महीने के बाद फेंक दिया जाता है। निश्तर का मामला इसलिए थोड़ा और वर्स हो गया कि यहाँ लाशें रखने की इतनी गुंजाइश नहीं थी। पूरे जनूबी पंजाब में ये वाहिद बड़ा अस्पताल है जहाँ लावारिस लाशें लाई जाती हैं, ये लाशें एक्सीड कर दी गई थी, इसमें कुछ नॉन डाइसेक्टेबल और कुछ फिर डाइसेक्टेबल लाशें भी ऊपर फेंक दी गई और मामला उस कमरे में मौजूद, ये टोटल 10-15 लाशें हैं, 3-4 बाहर पड़ी हैं और उनमें एक डाइसेक्टेबल हुई भी जो डाइसेक्शन के बाद पड़ी है चारपाई पे वो है, और कुछ जो है डाइसेक्टेबल भी पड़ी हैं उनका मामला है और बाकी कमरे के अंदर हैं। तो जब ये इस अमल से गुजर जाएंगी, अब इसमें वो लाशें भी जो कि डाइसेक्ट पढ़ाया जिन पे नहीं जा सकता था, और वो लाशें भी जिन पे स्टूडेंट पढ़ चुके थे, ये उनका इकट्ठ था जो पढ़ा था, उसके बाद इनको जो है उस कमरे में रखा गया था। अब यहाँ से वही अमल होना था दोनों का, जिन पे पढ़ चुके थे बच्चे या जिन पे नहीं पढ़ चुके थे, दोनों का अमल यही था कि इनसे हड्डियों का हसूल किया जाता। अब आ गई बात कि इनको दफनाया क्यों नहीं जाता, आइडियली जनाजा होना चाहिए, दफनाना चाहिए और फिर हड्डियाँ निकाली जाएँ, बहुत सारी जगहों पर बरियल प्रॉपर का भी ये मेथड मौजूद है। इनको ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें एक पुलिस ऑर्डर होता है। अब जो डिटेल्स उनकी तरफ से आई हैं वो मैं पूरी डिटेल्स मनो अन शेयर करने लगा हूँ। मेरी निश्तर के VC साहब से बात हो चुकी है, इनके एनाटॉमी मरियम अशरफ सरबरा जो हैं उनसे बात हो चुकी है, शफीक साहब इनके नुमाइंदे हैं उनसे बात हो चुकी है। अब ये मामला क्या है सुने, जो डॉक्टर मसूद हैं, सजाद मसूद, जो इनके तर्जुमान हैं निश्तर यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि इन लाशों को छत पर रखा हुआ था ताकि नेचुरल तौर पर ड्राई हो जाती और फिर छत इनसे हड्डियों का हसूल था। तो उसमें ये है कि ये CPO को मरासला भिजवा चुके थे कि भाई इन लाशों की जो बाकी हैं उनकी तदफीन का अमल क्या करना है। अब जिन लाशों को पुलिस कोई ऑनरशिप नहीं देती वही फिर बाद में नॉन डाइसेक्टेबल जो आ गई, जो
डिसेक्शन के बाद आएगी ऊपर, वो तो जाहिर सी बात है उनका तो कोई ओनर आया ही नहीं ना। जो नॉन डिसेक्टेबल लाश थी जिनको महीने से ऊपर हो गया और जो ऊपर पड़ी थी, उनको टेक्निकली हस्पताल दफना नहीं सकता। अब नहीं दफना सकता तो मरासले भिजवाए गए। SHO मुल्तान कैंट को तदफीन के मुतालिक कहा गया, लेकिन ये जो है वो अभी तक अमल में नहीं लाया गया था। जो मरियम अशरफ थी, उन्होंने कहा कि चंद नामालूम नवाशें जो पुरुष इन्हें गलने सड़ने का अमल शुरू नहीं होता, उन्हें फ्रीज़र में रख दिया जाता है, और अगर एक माह तक कोई ना आए तो पुलिस के इल्म में लाकर होम डिपार्टमेंट और महकमा सेहत की जानिब से जो कवानीन बने हुए हैं उनको बच्चों के हवाले कर दिया जाता है। और कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनमें गलने सड़ने का, जो मैं आपको कह रहा हूँ नॉन डिसेक्टेबल, अमल शुरू हो गया होता है, उन लाशों को जो है ऊपर मॉर्चरी में रख नहीं रख सकते। मॉर्चरी वो है वो जो फ्रीज़र है, उसमें नहीं रख सकते, तो उनको ऊपर रख दिया जाता है। और फिर इनके गलने सड़ने के बाद इनकी हड्डियों को निकाल कर केमिकल से साफ़ करके तदरीस के लिए लाया जाता है। वही जो बात मैं आपको कर रहा हूँ कि नॉन डिसेक्टेबल ऊपर को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता, उन्हें ऊपर रखेंगे, और पुलिस उन्हें महीने तक कोई ऑनरशिप नहीं दी, उसके बाद बस जाहिर है अब गलती सड़ती रहती हैं और फिर हड्डियाँ निकाल के उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इसको सियासी रंग देने, और शफीकुल्ला चौधरी साहब ने भी वही कहा कि हम दफन नहीं कर सकते थे। और अब यहाँ रोल आता है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, जो सड़क पे लावारिस लाशें मिलती हैं। ईदी ने कितना बड़ा काम किया है आप खुद सोच लें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब कितनी ओनरशिप दे गए उन लाशों को, कितना बड़ा नेटवर्क इस मुल्क में ओनरशिप दे गया लावारिस लाशों को, जो आपकी लाश भी हो सकती है, मेरी लाश भी हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने भी यही बात की है कि उनको फिर छत पे रखते हैं और SOPs के मुताबिक अदा करते हैं, और अगर नहीं कोई आता तो फिर जाहिर है हड्डियां बाद में हासिल कर ली जाती हैं और उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो और दफ़ा नंबर 174 के तहत जो है कार्रवाई करके ये सर्द खाने में। और अगर अब एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि इन सर्द खानों में जगह ख़त्म हो चुकी है। अब जो गुजर साहब हैं, जो मुशीर हैं इनके CM के, जिनको शिकायत के बाद ये सारा जिन्होंने वीडियोस बनाई जाके, ये तारिक जमान गुज्जर साहब हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं, बेसिकली इनका काम ट्रांसपोर्ट से लेना देना है। तो इन्होंने जाके छापा मारा और ये सनसनी फैला दी। अभी आप मेरी स्क्रीन पर एक इमेज दे रहे हैं, वो पुलिस रूल्स के मुताबिक है, रूल नंबर 1 जो रूल पुलिस ने इन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का। इफ़ अ बॉडी इज़ अनआइडेंटिफाइड द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शेल रिकॉर्ड द केयरफुल डिस्क्रिप्शन, उसका ले और उसके मार्क्स ले, पेक्युलैरिटी ले, उसकी डिफॉर्मेटिव ले, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ले, और उसके पूरे फिंगर इंप्रेशन ले, और अदर रीजनेबल स्टेप्स पूरे करने के बाद वेयर एज एक्शन अपीयर डिस्क्रिप्शन पब्लिश इन क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट के मुताबिक। और अनआइडेंटिफाइड जो है वो किसी भी चैरिटेबल सोसाइटी को दे दी जाए, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज को, हु इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट। इफ़ नो सच सोसाइटी वॉलेंटियर टू टेक कॉर्पोसिस, अगर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज उन्हें पढ़ने के लिए उस लाश को नहीं लेता तो फिर आप उसे दफन कर दें। अब आप कभी अस्पताल आएँ, सीपीआर हो रहा है, अब कहें देख के यार डॉक्टर अफान जो है वो किसी मरीज़ के सीने की, वो मर रहा था बेचारा और उसकी जी हड्डियाँ तोड़ दी, ये उतना ही तारिक जमान गुजर साहब ने काम किया। सनसनी फैल गई, अब सोशल मीडिया पर यह सनसनी फैलती है। अब इसके पसे पुश्त में आए, पहली बात मैं कंडेम करता हूँ कि इस किस्म की जो पट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, पूरे निश्तर में बू फैली होती है, छत के ऊपर ऐसा पिंजरा बना के लाशों को पट्रीफाई करना नहीं चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी वज़ा होनी चाहिए। इससे तो एक डिबेट ओपन होगी कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में क्या किया जा रहा है, ठीक है। आइडली ये जो हैं इनको, इनके जनाजे हों, अगर जनाजे पर भी कोई मुल्लाओं की डिबेट है तो बहरहाल दफन करके प्रॉपर बरियल, जो कि प्रॉपर UK के फोर्टिफाइड ब्रिटिश जो गज़ट है उसमें दर्ज है बकायदा, उससे हड्डियां हासिल कर ली जाएं। लेकिन अब टेक्निकली पाकिस्तान में वही मुंशियों वाले कानून है, पुलिस ऑनरशिप नहीं देती, उधर से अस्पताल इंतज़ामिया बेबस है, वो नहीं दफना सकती। इंसानी तौर पर अगर आपके मेरे की या हमारी अपनी लाश हो तो हम उस कमरे में जो निश्तर की छत के ऊपर था हम रहना पसंद करेंगे, जिसको ये जायज़ करार दे रहे हैं कि वहाँ तक मसला नहीं है। मसला है उससे बाहर जो 3-4 नॉन डिसेक्टेबल लाशें पड़ी थी, जिन्हें डिसेक्ट नहीं किया जा सकता था लेकिन पूरे गोश्त के साथ पड़ी थी, मसला वहाँ आ रहा है। ये सनसनी फैलाई गई, ये बिल्कुल ये अमल नहीं होना चाहिए, बरी करके चीज़ें होनी चाहिए, इसमें पुलिस को भी एक्टिव होना चाहिए। और अगर नॉन डिसेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल स्टूडेंट्स के पास लाश आई, डिसेक्ट किया, जब हड्डियाँ बच गई, एक जो चारपाई पे पड़ी लाश है, अगर कोई पिक्चर लगाना चाहे नीचे कमेंट्स में लगा सकता है, मैं नहीं लगा, वो डिसेक्ट करने के बाद रखी गई जो बाहर पड़ी हुई थी,
होना ये चाहिए, स्टूडेंट्स ने डिसेक्शन कर ली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उसके बाद उसे दफन करें, दफन करने के बाद उसकी हड्डियाँ निकाल के एसिड से साफ करके स्टूडेंट्स को दे दें, और जो नॉन डिसेक्टेबल हैं उनको भी फेंकने की बजाय होना यही चाहिए कि पुलिस उनकी ओनरशिप लेके प्रॉपर एक कब्रिस्तान दिया जाना चाहिए हर मेडिकल कॉलेज को, वहाँ ये दफन हो, बेशक इज्तमाई कब्रों में दफन हो, उसके बाद प्रॉपरली हड्डियाँ निकाल ली जानी चाहिए। ये ऊपर कमरों में रख के इस तरह पट्रीफिकेशन करना, इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, ये गैर इंसानी अमल बाहर हाल है, ये इंतहाई गैर इंसानी तरीक़ाकार है। अब आ जाएं, ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछली कई दहाइयों से हो रहा है। अभी निश्तर में एक इंडियन फ्लैग का मामला होता है, उसके बाद एक और मामला होता है जिसमें जो है ये निश्तर के एक फॉरेन स्टूडेंट को निकाल लिया जाता है। अब ये वीडियोस बना दी जाती हैं जो पिछले 50 साल से, टारगेट कौन है? निश्तर मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट सियासत की अमाजगा है, यहाँ सियासत होती है। जब पाशा साहब थे उससे पहले वीसी थे, निश्तर के अंदर ही लोग ऐसे मौजूद हैं जो चाहते हैं इन लोगों को हटाया जाए, इन लोगों को बिल्कुल हटा दिया जाए। वीसी अल्ताफ़ राणा साहब हैं, अच्छे इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, मेरी बड़ी दफ़ा इनसे निश्तर में लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम लाने के लिए मीटिंग हुई, और मैं हर दफ़ा ये कह के मीटिंग से उठ जाता था कि सर क़यामत आ सकती है, निश्तर में लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और रीज़न सियासत, इस इदारे में YDA के कई धड़े हैं, PMA के कई धड़े हैं, उसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ के हॉस्टल्स में सियासत की माजगाएँ हैं, लड़कियों लड़कों डॉक्टर्स हर जगह। अब इस लेवल की पॉलिटिक्स जब इदारे में एक शख्स को गिराने के लिए की जाती है जो VC है, तभी ये वाकयात शुरू हो जाते हैं। अब ये जो नया VC है ये शदीद नापसंदीदा है कुछ नीचे लोगों का, और उनको उलटने के लिए अल्ताफ़ राणा साहब को ये सारी जो है ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, और इनका नतीजा भी यही निकलेगा कि अल्टीमेट इस तरह इदारे तरक्की नहीं करते। ये अल्टीमेटली एक रिजीम चेंज ऑपरेशन ही है VC के ख़िलाफ़, कि इस किस्से को सनसनी बना के सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल ऐसे कि एक लड़की मेरे पास आके बैठे और आप मेरी वीडियो बना के कैफान कैसर जी कुड़ी नाल बैठे, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही सनसनी फैला के वायरल किया जा रहा है। ये इस वाकये की बिल्कुल अप टू डेट रिपोर्ट्स हैं जो मैं बिल्कुल पूरे वर्कअप के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो इंसानी तरीक़ाकार है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो मेरी टेक है वो भी मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये आता है कि इस सारे वाकये का ज़िम्मेदार कौन है? अगर आप मुझसे पूछें, सारे वाकये की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। क्यों? 2000 बेड का अस्पताल है, कोई ऐसा कब्रिस्तान क्यों नहीं दिया गया निश्तर को जहां ये बरियल प्रोसेस किया जाए? ठीक है, अल्टीमेटली इस वाकये की जितनी मर्ज़ी इंक्वायरी कर लें, ये साला साल जो पॉलिसीज़ वजह हैं, जो नेगलिजेंस है, जो माशरती अखलाकियात है जिसकी मैंने कल की वीडियो में बात की, इसकी वजह वही है, हम मोरालिटी से गिर चुके हैं। हमें परवाह ही नहीं है कि हम भी वो लावारिस लाश हो सकते हैं जो निश्तर की छत पर कई सालों से बू फैला रही है, कई सालों से बू फैला रही है। यहाँ मैं एक छोटा सा वाकया कोट करूँगा कि कत्ल जो है ना, ये कत्ल तो नहीं है लेकिन लाश जो है ना वो अपने कातिल का पता खुद देती है। हुआ ये था कि एक गुलगश्त मुल्तान में एक नाई ने मर्डर कर दिया था, और वो ट्रेस इस तरह हुआ था कि जो लाश उन्होंने जला के जिस कूड़े के पास फेंकी, वहाँ एक औरत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, और उसे दो दिन बाद जब बू आनी शुरू हुई तो उस औरत ने तहज्जुद के दौरान जो चेहरे देखे थे उसमें से उस नाई को आइडेंटिफाई कर दिया था। तो ये जो इतने सालों से निश्तर की छत पर इन लाशों की बू है ना, ये अपने कातिल का पता दे रही हैं, और जब आप इनको ट्रेस करेंगे ना, कातिल आप हैं, कातिल मैं हूँ, कातिल वो निज़ाम है, और जो लोग भी ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं वो निश्तर के अंदर के लोग हैं, वो अंदर की पॉलिटिक्स है। ये सारा वाकया सिर्फ इतना है, ये इन डेप्थ एनालिसिस है। मार्क माय वर्ड्स, कोट माय वर्ड्स, आप जिस लेवल पे जाके इस मैटर की इंक्वायरी कर दें, पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट का कट्टा चट्टा मैंने आपके सामने रख दिया। मेरा नाम है डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग।